तो गुड मॉर्निंग, फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में, वेलकम इन मास्टरमाइंड में। रोज की तरह कुछ आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। तो हम बात कर रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जी का, जो उनका नया बयान आया है और नया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बातें कही है, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे हम। जो बड़े बड़े एयरपोर्ट के ऊपर बात कही है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, कलकत्ता एयरपोर्ट की, चेन्नई एयरपोर्ट की और बेंगलुरु एयरपोर्ट की, जो भी ये बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है उनके ऊपर ये बात बोली गई है और बताई गई है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो पर अगर नए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। कब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा मेरा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होता है। और थैंक्स फॉर डैट, बहुत से लोग उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जो कल के वीडियो में मुझे कुछ गलतियाँ थी, जो शायद मुझे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, उसके लिए थैंक्स। क्योंकि मुझे कमियों को बहुत कोई पकड़ना बहुत वो है, बारीकी से आपने मतलब मेरी वीडियो को सुना है तभी तो मेरी कमियों को पकड़ा है, तो उसके लिए थैंक्स। और कुछ भी गलती होती है तो उसके जरूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं सुधारने की बहुत अपनी कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने यह बताया है कि भारत में उड़ानों की कैपेसिटी को दिवाली तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि जितनी उड़ाने कोरोना के आने से पहले उड़ा करती थी उतनी उड़ाने दिवाली तक शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि हरदीप सिंह पुरी जी के इस इंटरव्यू की जानकारी खुद इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ आर्टिकल में आया है, जो आप न्यूज़ आर्टिकल को देख सकते हैं, जहां जहां साफ लिखा गया है कि हरदीप सिंह पुरी जी के अनुसार दिल्ली दिवाली तक भारत के उड़ाने ट्रैफिक को पहले के लेवल तक अचीव कर लिया जाएगा। इसके अलावा यह बात भी बताई गई है कि भारत के एयरपोर्ट जैसे मुंबई एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइटों की कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर भी काम चल रहा है। मुंबई एयरपोर्ट की कैपेसिटी को पहले ही रोजाना 100 फ्लाइट को ऑपरेट करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा कोलकाता एयरपोर्ट को भी सितंबर महीने में भारत के 6 शहरों से पूरी तरह से खोलने के लिए बातचीत की जा रही है। इन सब के अलावा चेन्नई एयरपोर्ट से भी यह खबर आ चुकी है कि चेन्नई एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ्लाइटें शुरू करने के साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइटों को भी मंजूरी दे रही है। तो बात करते हैं मौजूदा हालत की, कि इस समय मौजूदा हालत में फ्लाइट ट्रेवल करने वाले पैसेंजर की डिमांड बहुत कम है, जिसके कारण एयरलाइंस कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते कल भी इंडिगो का सीईओ दत्ता जी ने यह जानकारी दी है कि कम पैसेंजर के डिमांड के कारण इस समय एयरलाइंस कंपनियां घाटे में चल रही है, और जिस कारण से एयरलाइंस कंपनियाँ अभी तक फिलहाल प्रॉफिट में नहीं आ सकती है। इसके अलावा कई बड़े मीडिया इस बात की भी जानकारी दे रही है कि हमारे देश की दो एयरलाइंस कंपनियां गो एयर और स्पाइसजेट जैसे एयरलाइंस कंपनी है, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रही है। यदि उसको तुरंत मदद नहीं पहुंचाई गई तो यह दोनों एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। और बहुत आपको भी पता होगा कि बहुत से लोगों का टिकट अभी भी गो एयर में फंसा हुआ है, जिसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो सबको पता है गो एयर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए सभी को पैसे भी रिफंड नहीं कर रही है, तो यह दो कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। तो हो सकता है ये कंपनियां जेट एयरवेज की तरह ये भी बंद हो जाए, इसलिए हरदीप सिंह पुरी जी ने शायद ऐसा कदम उठाया कि दिवाली तक पूरा अचीव कर लेगा। ठीक है, आगे की बात बताते हैं। हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया गया इंटरव्यू के आधार पर चला जाए तो भारत की उड़ानों का ट्रैफिक दिवाली महीने तक पूरी अपनी लेवल पर आ जाता है, तो उम्मीद है कि एयरलाइंस कंपनियों को हुए घाटे से बाहर निकलने में थोड़ी आसानी होगी और एयरलाइंस कंपनी जल्द से जल्द इस बड़े नुकसान से बाहर निकल सकेगी। तो बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा मेरा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो। थैंक